दोस्तों, अगर ट्रेडिंग से पैसा कमाना है तो चार चीजें ये सीख लो, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना और स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करना। हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है दोस्तों ट्रेंड। दोस्तों, अगर ट्रेंड को पहचानना सीख जाओगे तो दोस्तों आपको काफी आसानी रहेगा। दोस्तों, ट्रेंड पहचानना होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ये दोस्तों आपको पता चलेगा दोस्तों प्राइस एक्शन में। जब तक आप प्राइस एक्शन नहीं पढ़ोगे तब तक दोस्तों आप ट्रेंड को पढ़ना नहीं सीख पाओगे। इसलिए दोस्तों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन से आप ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हो कि मार्केट ऊपर की तरफ रहेगा कि नीचे की तरफ रहेगा। दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा बायर्स एंड सेलर्स। दोस्तों, अगर मार्केट में ये आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सेलर्स ज़्यादा होते तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। और दोस्तों ये आपको पढ़ने के लिए मिलेगा दोस्तों कैंडलस्टिक में। अगर आपको कैंडलस्टिक दोस्तों अच्छी तरीके से आती होगी तो आप ये चीज़ दोस्तों आसानी से ट्रैक कर पाओगे। और दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न को दोस्तों समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दोस्तों कैंडलस्टिक के साथ में आपको उसको कैंडलस्टिक को रीड करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं। अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर मार्केट में सेलर्स ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा। इस टॉपिक को भी दोस्तों हर एक ट्रेडर को काफ़ी अच्छी तरीके से दोस्तों आना चाहिए। अब हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों लेवल्स। लेवल्स दोस्तों हमें पता होना चाहिए। लेवल्स से हम पता कर सकते हैं कि मार्केट में कब बायर्स एंट्री ले रहे हैं और कब दोस्तों सेलर एंट्री ले रहे हैं। अगर बायर्स एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट में मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, सेलर्स एंट्री ले रहे हैं तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। दोस्तों ये बात हमें पता चलेगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छी तरीके से पढ़ने से। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से आते तो दोस्तों आप लेवल को अच्छी तरीके से फाइंड कर सकते हैं कहाँ से हमें अप में पोजीशन बनानी, यानी कि दोस्तों मार्केट में बुलिश पोजीशन बनानी है या फिर मार्केट में बेयरिश पोजीशन बनानी है। दोस्तों आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पढ़ के ही दोस्तों पता चलेगा। चौथा पॉइंट है वॉल्यूम। दोस्तों अगर हमें वॉल्यूम को ट्रैक करना आता तो दोस्तों हम ये पहचान सकते हैं कि हम जो ट्रेड ले रहे हैं दोस्तों वो हमने फेक ट्रेड ली है, यानी कि गलत ट्रेड ली है, या फिर दोस्तों सही ट्रेड ली है। वॉल्यूम हमें बता देता है कि मार्केट कब ऊपर की तरफ जाएगा, कब नीचे की तरफ आएगा। अगर दोस्तों मार्केट में बायर्स का वॉल्यूम सही है तो दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, अगर सेलर्स का वॉल्यूम दोस्तों मार्केट में सही है और दोस्तों तो मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों सेलर्स का वॉल्यूम दोस्तों आपको गलत दिखा रहा है तो आप वहाँ पर ट्रेस हो सकते हैं और दोस्तों मार्केट में अपना लॉस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को पढ़ने के लिए दोस्तों हमें पढ़ना होगा दोस्तों वॉल्यूम को। वॉल्यूम पढ़ना काफ़ी ज़रूरी रहता है दोस्तों, और वॉल्यूम से काफ़ी चीज़ें दोस्तों आसान हो जाती है, जिनको सीख कर हम दोस्तों ट्रेड को सही और गलत दोस्तों साबित कर सकते हैं, ये पहचान सकते हैं, और वॉल्यूम के आधार पर दोस्तों हमें एक अच्छी ट्रेड को दोस्तों फाइंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।